बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आपको जैसा कि याद होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था और एक ऑलमोस्ट एक आर्मर बना ही लिया था और बहुत सारा सारा था। और आज भी एक मेन टारगेट है कि एक सबसे पहले एक आर्मर बनाना, एक पिकैक्स बनानी और एक छोटा सा सर्वाइवल बेस बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करनी है। तो हम लोग शुरू आए थे पिछली बार, लोगों ने बेड भी बना लिया एंड हम सबसे पहले हमें आयरन की माइनिंग के लिए जाना है। तो वाओ, मेरे पास पिकैक्स नहीं है, मेरे पास पिकैक्स नहीं है, सीरियसली पिकैक्स नहीं है। उसके लिए मैं स्टोन ढूंढना पड़ेगा। अब स्टोन ढूंढ लो, स्टोन ढूंढने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा वैसे नीचे। एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे नीचे और नीचे जाके सब कुछ कर लेंगे। बहुत ऐसा कोई मतलब नहीं था लेकिन फिर भी हम लोग आयरन की और माइनिंग करेंगे यहाँ पे। ओ माय गॉड गाइस, नीचे हमारे एकदम लावा है। उसके बाद से मैं अंजाम था, वैसे यार बहुत सारा आयरन चाहिए हमें और आयरन मिल गया है हमें। यार नीचे क्या और ना है क्या, नीचे कोई डायमंड्स वायमंड्स है काम कर। ओ इधर इधर है, इधर आयरन है, इधर आयरन था, उसको आयरन से मिला। मेरे पास फर्नेस नहीं है, मुझे याद है मैं फर्नेस एक बार जब वहाँ नीचे माइनिंग कर रहा था तो वहाँ पे शायद मैंने छोड़ी थी। तब तक हम लोग इसको यहाँ पे पकने को रख देते हैं और हमें एक फर्नेस और बनानी पड़ेगी। तो वो भी पड़ेगा, मैं क्राफ्टिंग टेबल इतनी फिर से नीचे छोड़ आया हूँ। तो ये बूम 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 सोते हैं। सुबह का लंच करने, ओ सुबह के लंच के लिए हम लोग आराम से खाएंगे स्वाद लेकर। मेरे पास अभी टोटल कितना आयरन हो, मेरे पास शायद, अच्छा मेरे पास बार आयरन तो मैंने उसकी शील्ड बना दी था मुझे याद। तो भी हमें एक चेस्ट प्लेट बनानी है, तो हम लोग एक हेलमेट बना लेते हैं। Are you ready to wear our helmet? और अब चेस्ट प्लेट बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8 9 10। हम लोग एक चेस्ट प्लेट और एक पिकैक्स बना लेंगे, दैट्स इनफ। ओह मुझे पहले थोड़े से वो चाहिए होंगे स्टिक्स, गाइस स्टिक्स। हमारे पास आ चुकी है एक पिकैक्स, इजंट इट आर आयरन पिकैक्स। तो गाइस हमारे पास फाइनली आ चुकी है एक आयरन की पिकैक्स एंड नाउ विल चेस्ट प्लेट बनाना है। उससे पहले तब तक जो भी काम का सामान है अंदर डाल देते हैं। ओह लेकिन टॉर्चेस भी तो बनानी है, कोल नहीं है, इधर कोई माइन वाइन है। और मुझे खाने की भी ज़रूरत है, मुझे सामने एक खाना दिख रहा है।
माय गॉड भाई साहब, यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया रिवीन है। मेरे ख्याल से एक में एक रिवीन में हमें बहुत सारा डायमंड्स भी मिल सकते हैं। आई नीड फूड, आई नीड फूड, आई हैव टू किल दिस। आई एम सॉरी, वन टू शॉट वन किल गाइस, टू शॉट वन किल। ये रेवीन है क्या? ओह नहीं, मुझे लगा ये भी एक केव है। मुझे वैसे और भी आयरन की जरूरत पड़ेगी, तब तक हम ओह भाई साहब कितनी ज्यादा केव्स है यहाँ पर। मुझे वैसे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे खोना नहीं है। ये देखो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लोग कोल ले लेते हैं अगर आए हैं तो। ये इतना काफी है, अभी हम लोग बाहर चलते हैं। एक बार इधर भी देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। अभी इधर जाना हमारे लिए खतरे के खाली नहीं। टॉर्च लो एंड सीधा मटको यहाँ से। मतलब कि अपना अब तक आयरन का वो बनाते क्योंकि वो बन ही गया होगा। वो मुझे आयरन दिख रहा है, मुझे आयरन दिख रहा है, वो सामने आयरन है और इधर और आयरन है। उस आयरन को भी हम लोग आके ले जाएंगे। और मुझे एक पाथवे भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे अपने एक माइनिंग एरिया तक, और अपने एक हम लोग उधर जो हम लोगों ने खुदाई करी थी उसको हम लोग अपना माइनिंग एरिया बनाएंगे, शॉर्ट माइनिंग एरिया, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे। मुझे सोच रहा हूँ अपना घर बनाओ वो उस आइलैंड पे बनाओ, मतलब उस तरफ। अब तक हमारे तो आयरन भी पक गया होगा। ओह हमारे पास आयरन की कमी है। यस हमारे पास कमी है, हमें दो और आयरन का चाहिए चेस्ट प्लेट बनाने के लिए। तो हम ये सब यहीं रख देते हैं। वो तो हम लोग खाना पकने के लिए भी तो डाल सकते हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस तरफ, हम लोग आयरन लेने जा रहे हैं आयरन, और हमें थोड़े से और स्टोन्स भी कलेक्ट करने ताकि हम लोग स्टोन ब्रिक्स बना सकें। घर जो बनाएंगे हम लोग उस आयरन भी बनाने वाले हैं। एंड नाउ वी हैव टू गो स्ट्रेट डाउन। A few moments later. फिर हम लोग वापस चलते हैं। वापस आ चुका हूँ भाई, बहुत गहरा गया था मैं माइनिंग करने। अब हम लोग तब तक वो मुझे अपनी टॉर्च भी तो चाहिए वापस भाई, बट टॉर्च फालतू के लिए नहीं छोड़ जाता। टॉर्च बहुत महंगी है, आई एम सॉरी। हाँ तो जैसे कि कह रहे थे मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉबल स्टोन आ चुका है, और यहाँ पर हम लोग एक पाथवे बना देते हैं। ओह माय गॉड। हाँ तो तब तक हम लोग अब जैसे प्रॉपर अपना एक आयरन चेस्ट प्लेट भी बना सकते हैं, और हम लोग मेरे पास 20 आयरन और आ चुका है, तो हम लोग बहुत कुछ अब बना सकते हैं। पूरा हम लोग एक स्वॉर्ड और एक्स बना सकते हैं। हम लोग तब तक खाना लेते हैं, और हमें कोल और चाहिए, तो कोल मेरे पास शायद और था। मेरे पास कोल है, दैट इज़ गुड। हमें भूख भी लगी है, भूख को फिर से मिटाते हैं। अब जैसे हमें बहुत ज़्यादा वुड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा सा डेकोरेशन करनी है और घर बनाना है, और हमें एक सैंड, हमें ग्लास बनाने के लिए सैंड चाहिए क्योंकि वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगी हम लोगों को सैंड, जैसे कि यही है। उसके लिए एक शवल चाहिए, शवल अभी हम लोग उसका आयरन की बनाएंगे। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, तब तक मैं बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग, हमें अगर वो स्टोन ब्रिक्स बनाने तो कॉबल स्टोन मिल्ट कर। मुझे कहीं से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आई, कहीं स्पॉनर है मेरे ख्याल से।
कहाँ से आवाज आ रही है? तो यहाँ पे क्यूब और है, ओ नहीं, यहाँ पे एक केव मिल चुकी है मेरे को, जिसको अभी बंद करो फिलहाल के लिए। यहीं से हमें ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी और सूरज भी ढलने वाला है, हमें बहुत सारे पता होगा और हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं। स्टिक्स आ चुकी हैं फ्री की, हमारा आयरन अभी तक पक चुका होगा। तो फाइनली वक्त आ चुका है। Are you guys ready? Are you guys ready? Let's go! हमारे पास फाइनली आ चुका है फुल आर्मर का सेट एंड आई एम लुकिंग ऑसम। हाँ तो अब हम लोग तब तक जो और आयरन है उसका हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग पहले स्वॉर्ड बनानी चाहिए या एक्स बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से एक्स ज़्यादा काम आती है, हम लोग एक्स बनाते हैं पहले। हम लोग उसको बाय बाय कह सकते हैं। वो मेरे पास वैसे भी 9 इंगट बहुत पहले से रखे थे, तो मैंने देखा। तो अब हम लोग और क्या बना सकते हैं? शवल बनानी है हम लोगों को, शवल भी बना ही लेते हैं। चलो आ चुकी है शवल और अब सैंड ले लेते हैं हम लोग। बाकी सब सामान इसमें डालते हैं। वैसे भी खाने की भी कमी है, खाना भी नहीं है मेरे पास। हाँ मेरे पास खाना नहीं है, नहीं खाना है थोड़ा सा, उसको लोग रखते हैं। और हमें क्या चाहिए था? हमें थोड़े से वो बनाने हैं स्टोन ब्रिक्स। तो स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए क्या लगेगा? सो गाइस आई एम बैक और मैंने मुझे पता चल चुका कि स्टोन ब्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो स्टोन ब्रिक्स बनाना बहुत आसान है। तो हमें देखो अपना, मैं अभी कोल वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ के ऊपर ग्लास के ऊपर जो कि मुझे जिसकी जरूरत नहीं है। तो अभी तो हमें कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए स्टोन चाहिए जो कि हमें कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करने से मिल जाएंगे। तो कोल की खुदाई के लिए हम लोग को वापस माइनिंग पर जाना होगा, से कॉबल स्टोन और हो जाता हूँ। इधर से हम लोग एक पाथ वे बना देते हैं। आखिर आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखना चाहूँगा। देखो हम लोगों ने घर ऑलमोस्ट एक बना लिया है,
मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑफ कैमरा से कंप्लीट कर पाऊँ। अब मेरे पास अभी रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, तो मैं उनको अगले एपिसोड तक कलेक्ट करके कर लूँगा। और घर को अभी हम लोग जितना ही मैंने बना दिया है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर बना दिया है, हम लोग अगले एपिसोड में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग माइनिंग पे चलेंगे, ताकि और रिसोर्सेज, जैसे हमें और आयरन, लापिस की ज़रूरत है, ऑब्सिडियन, एक नदर पोर्टल बनाना है, एंड वी नीड डायमंड। गाइस, डायमंड के बिना कुछ नहीं। और उसके बाद मे भी लोग नेदरराइट आर्मर भी करें, क्योंकि अभी मेरे लिए नामुमकिन सा है। और अभी तो मैं एडवेंचर पे भी जाना है, जैसे कि ये पूरा आप समुद्र देख सकते हो, खाली भरा है, इंतज़ार कर रहा है। सो या आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल करने का बटन सब्सक्राइब, और जल्दी से जल्दी जाते हो एपिसोड 3 के लिए तो मुझे कमेंट में बताना ना, ताकि अब मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके, तो मैं और जल्दी एपिसोड डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono